महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने एमबीए, एमएससी, एमकॉम के ऑनलाइन एडमिशन के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने इस नोटिस में क्या कहा है। तो ये नोटिस आपका जो है 23 नवंबर को जारी हुआ है, ठीक है। स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र 2022-23 में संस्थागत प्रवेश हेतु ऑनलाइन प्रवेश किए जाने के संबंध में, ठीक है। यानी कि ये पीजी के जितने भी एडमिशन है उसके बारे में है, 2022 और 23 के रेगुलर एडमिशन के बारे में, ऑनलाइन एडमिशन के बारे में, ठीक है। जो भी ऑनलाइन प्रवेश होंगे, ठीक है, जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है, उसमें क्या है देख लेते हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध राज्य के अनुदानित स्वित्त पोषित महाविद्यालयों में सत्र 2022-23 से संस्थागत प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होने वाले प्रवेश को छोड़कर, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा देकर जो प्रवेश होते हैं वे कोर्स को छोड़ के, ठीक है, जितने भी पीजी के एडमिशन है यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम और बीलिव, एमलिव, एमएसडब्ल्यू, ठीक है, वार्षिक विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु, ठीक है, इतने एडमिशन के लिए ये नोटिस निकाला गया है एडमिशन के लिए, ठीक है। स्नातकोत्तर स्तर के प्रथम वर्ष के विभिन्न पाठ्यक्रमों जैसे एमबीए, एमएससी, एमकॉम, बीलिव, एमलिव, एमएसडब्ल्यू एवं वार्षिक विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु ऑनलाइन प्रवेश सुनिश्चित किए जाने की अंतिम तिथि 15 नवंबर निर्धारित थी, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं हम कि जो पीजी के ऑनलाइन एडमिशन हो रहे थे वो 15 नवंबर लास्ट डेट थी, ठीक है। तो महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने 23 नवंबर को नोटिस निकाला कि जो 15 नवंबर को जो लास्ट डेट हो गई थी, ठीक है, तो उसको जो है वो दोबारा डेट दे दी गई है एडमिशन के लिए एमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है, और वीलिव, एमलिव और एमएसडब्ल्यू, ठीक है, और वार्षिक विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को एक बार फिर दोबारा से मौका दिया है महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने। 24 फिर से ऑनलाइन एडमिशन होने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। पहले 15 नवंबर लास्ट डेट हो चुकी थी, ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। छात्र हित में ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि 22 नवंबर को दिनांक 30 नवंबर तक विस्तारित कर दिया गया है। छात्र हित में ऑनलाइन प्रवेश की अंतिम तिथि 22 नवंबर को 30 नवंबर तक विस्तारित कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप, मैं यहाँ पर बता दूं कि पहले जो थी अंतिम तिथि जो थी निर्धारित थी वो 15 नवंबर थी, ठीक है, फिर डेट बढ़ी तो 22 नवंबर हो गई, ठीक है, और फिर 22 नवंबर के बाद जो है ये एक बार और फिर जो है इसकी डेट बढ़ा के 30 नवंबर कर दी गई है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक डेट खत्म हो जाने के बाद, लास्ट डेट हो जाने के बाद भी ये तीसरी बार जो है फिर से ये ओपन कर दी है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जिन किसी का भी एडमिशन उनसे रह गया है, ठीक है, जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एडमिशन नहीं हुआ है वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एडमिशन करा लें, ठीक है। 22 नवंबर लास्ट डेट हो चुकी थी, ठीक है, पहले 15 नवंबर थी, उसके बाद फिर डेट को बढ़ाया 22 नवंबर तक, फिर 22 नवंबर लास्ट डेट हो गई थी, फिर 22 नवंबर से फिर 30 नवंबर तक डेट आपकी बढ़ा दी है, ठीक है। तो जिन बच्चों का भी एडमिशन छूट गया रहने से, ठीक है, कराने से, वो अपने एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है, 30 नवंबर से पहले अपना एडमिशन करा लें। तो संबंधित महाविद्यालय एमबीए, एमएससी, एमकॉम, बीलिव, एमलिव, एमएसडब्ल्यू, वार्षिक विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं बीपी एड पाठ्यक्रम में दिनांक 30 नवंबर तक स्नातकोत्तर स्तर के ऑनलाइन प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था वो इसमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो जिनका, जिन बच्चों का छुट गया है एडमिशन कराने से, वो अपना एडमिशन करा लें, ठीक है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, 30 नवंबर से पहले अपना एडमिशन जो है करा लें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर करना, ठीक है, ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, जिससे कि जिन्होंने एडमिशन नहीं कराया उनको भी पता चल जाए कि 30 नवंबर लास्ट डेट है, ठीक है, और ज़्यादा शेयर करना कि किसी बच्चे का एडमिशन होने से ना छूटे, ठीक है, सबका एडमिशन हो जाए, सबको वीडियो इतनी शेयर करना, ठीक है, कि सबके पास वीडियो चली जाए और सबको पता चल जाए कि उनका जो एडमिशन है वो हो सकता है 30 नवंबर लास्ट डेट है, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने एक बार जो है अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन एडमिशन के लिए सुविधा प्रदान कर दिया, ठीक है। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ठीक है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।